नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और वक्त हम बिहारी का है। मैं और मेरी सहयोगी श्वेता अब इस आधे घंटे में आपको बिहार की पूरी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि आज फसाना दूसरे पड़ाव को पार कर चुका है। चुनाव में दूसरे दौर का मतदान आज खत्म हुआ और 53.51% के आसपास वोटिंग आज बिहार में हुई है। जहां कम से कम 5 बजे तक जब 40% के आसपास ही आंकड़ा था, तब ये लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम न रह जाए, लेकिन शाम 6 बजे तक मुझे लगता है आखिरी के 1-2 घंटे में ठीक ठाक वोटिंग हुई और फिर आंकड़ा आगे बढ़ा। श्वेता जी, अंजना, क्योंकि दिन के समय अभी भी हम देख रहे थे किस तरीके से बिहार में थोड़ी गर्मी, लोग शाम ढलते ढलते आना चाहते हैं और चूंकि अधिकतर लोगों के पास कुछ कामकाज, तो इसीलिए हम इस आकलन को यहां पर ठहरा सकते हैं कि मुमकिन है आखिरी 2 घंटे में बिहार ने दिखा दिया कि नहीं, जितना मतदान कम से कम पिछली बार था तो उस हिसाब से मतदान यहां पर, और ये वाला जो प्रतिशत होता है ये पढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है सभी विश्लेषकों के लिए। लेकिन इसके लिए तो हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले आज जब दूसरे दौर का मतदान चल रहा था तो तीसरे दौर के लिए प्रचार भी चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 जगह पर आज रैलियां की अंजना, और साथ ही राहुल गांधी का जहां तक सवाल है उन्होंने भी बिहार का अच्छा खासा दौरा कर लिया है आज। सब कुछ खैनी दुगो बुजाना चबैनी, बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया। ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। पीएम मोदी ने ठान लिया है कि बिहार का रण जंगल राज के नाम पर ही लड़ना है। जाहिर है उन्हें पक्का भरोसा होगा कि जीत मिलेगी तो जनता के जहन में लालू राबड़ी राज की यादों को कुरेद कर ही मिलेगी। लिहाजा पिछली रैलियों की तरह आज भी मोदी के निशाने पर जंगल राज ही रहा, बल्कि पिछली बार से आगे बढ़ते हुए उन्होंने राहुल गांधी को भी इसी परिभाषा में लपेट लिया। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। पीएम मोदी ने आज बिहार में 2 रैलियां की, पहली अररिया के फारबिसगंज में और दूसरी सहरसा में। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दोनों जगहों पर पूरे इंतजाम किए गए थे, इसके बावजूद उन्हें सुनने के लिए हुजूम उमड़ा था। लोगों के उत्साह का पीएम मोदी ने भी दिल खोलकर अभिनंदन किया। फारबिसगंज के बाद पीएम का अगला पड़ाव सहरसा रहा। जंगल राज वाले अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए मोदी ने कांग्रेस पर देश और सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप मढ़ दिए। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। कुछ लोगों को यह परेशानी है कि मोदी चुनाव जीतता क्यों है। अरे मोदी चुनाव इसलिए जीतता है भाई कि ये माताओं बहनों के, उनकी बेटियों की चिंता दूर करने का काम मोदी करता है, इसलिए माताएं बहने ये मोदी पर आशीर्वाद देती रहती हैं, और तब जाकर के ये गरीबों का बेटा गरीबों की सेवा में अपना जीवन खपाता रहता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ पीएम मोदी ने चुनावी मंच से आत्मनिर्भर बिहार का भी संदेश दिया और आने वाले त्योहारों पर लोगों को स्थानीय चीजों की खरीदारी पर जोर देने को कहा।
अररिया से अमरेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रवाद की तो पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है अंजना, जिस तरीके से हर एक मंच पर कोई भी बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का रहता है, कोई भी छोटा नेता अगर जनसभा जस भी कर रहा होता है, अगर डोर टू डोर भी जा रहे होते हैं, लोग एक ही चीज पर बार बार बोलते हैं कि देखिए हमने देश का नाम ऊंचा किया है। गलवान का मसला वहां पर आ जाता है और इत्तेफाकन जो पुलवामा को लेकर बयान पाकिस्तान की संसद में आ गया था वो तो है ही, और इसीलिए सीधे तौर पर कांग्रेस पर कटाक्ष होता है कि उस समय तो आप खुलकर बोल रहे थे कि किस तरह की साजिश हो सकती है, अभी क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं आप। तो ये राष्ट्रवाद मंचों पर तो आ ही चुका है अंजना। बिल्कुल, राष्ट्रवाद भी आ चुका है और दूसरी तरफ जो पूरा नैरेटिव है वो चल रहा है कि डबल इंजन पर भरोसा कीजिएगा या फिर आप डबल युवराज और उस जंगल राज की तरफ जाइएगा। तो डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज, इस तरह से भी प्रधानमंत्री, देखिए जो उनका खास तरीका है अपना चुनाव प्रचार करने का, भाषण देने का, उसमें वो बहुत ही किस्सा होई के जरिए वो अपनी बातें कहते हैं। और उसमें उन्होंने पहले कहा कि देखिए यूपी से दो युवराज निकले थे, वहां पर उन्होंने बहुत कोशिश की, हार गए, तो उनमें से एक युवराज अब बिहार आ गया, बिहार में वो यहां जंगल राज वाले युवराज के साथ मिल गया। तो ये जो पूरा एक तरह से रणनीति यहां पर बन रही है वो राष्ट्रवाद का तड़का बीच बीच में लगाया जा रहा है, जिसमें आज उन्होंने कहा कि देखिए ये वो पार्टियां हैं जो मां भारती के नारे लगाने में संकोच करती हैं, जो वंदे मातरम कहने में संकोच करती हैं, भारत के जयकारे करने में संकोच करती हैं। उन्होंने जय श्री राम को भी इसमें धीरे से ले आए वो, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जय श्री राम बोलने में भी ये पार्टियां हिचकिचाती हैं। और दूसरी तरफ जो ग्राउंड लेवल पर नैरेटिव बनाने की कोशिश है वो यही कि डबल इंजन है आपके पास, इधर मोदी का भी साथ रहेगा और यहां पर आपकी सरकार रहेगी डबल इंजन वाली, और वहां पर तो आपको सिर्फ डबल युवराज मिलेगा। तो यह है वो पूरी लड़ाई और पूरा तरीका जिसमें चुनावी घमासान आप देख रहे हैं। दो पड़ाव खत्म, तीसरे दौर का मतदान 7 नवंबर को, 10 को आएंगे नतीजे, 10 को पता चल जाएगा किसके दावे में, किसके नैरेटिव में ज्यादा दम निकला। लेकिन अब आइए आपको सुना देते हैं राहुल गांधी ने आज किस तरह से सरकार पर हमला किया है, और खास तौर पर नीतीश कुमार पर उन्होंने, जो उनकी रैलियों में कई जगहों पर विरोध हो रहा है, उस पर कटाक्ष किया है। सुनिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने गलती क्या की? क्या गलती की बिहार के किसान ने? नहीं भैया, एक गलती की आपने, मैं यहां से कहना चाहता हूं, आपने नीतीश जी को मोदी जी को वोट दे दिया। गलती भैया आपकी है, आपने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब गलती को सुधारने का टाइम आ गया है, हो गया काम। वो तो नीतीश जी के चेहरे से दिख रहा है, थोड़ा ढीलापन है, देखा आपने, थोड़े सुस्त से लग रहे हैं। देखिए सच्चाई से कोई नहीं छुप सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी हो, सच्चाई से नहीं छुप सकता। चुनाव के दिन अगले दौर के प्रचार के नाम पर काफी सारी बातें, काफी सारे आरोप जरूर लगाए जाते हैं मंचों से। राहुल गांधी पर जिस तरीके से उनको घेरा जाता है ये कहकर कि क्यों नहीं वो राष्ट्र की बातों पर एक तो स्पष्टता करते हैं, एक उनसे गलती हो गई थी कि चीन कितना भीतर घुसा है उसे लेकर, जो किलोमीटर का उन्होंने जिक्र कर दिया था। दूसरी चीजें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के संदर्भ में क्यों नहीं बोलते, पीओके की बात होती है तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी अपनी तरफ से जिस तरह से घेर रहे हैं सरकार को, उसमें अंजना जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि जो तेजस्वी यादव अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो सबसे बड़ी चीज उनके लिए हो जाती है रोजगार, सबसे बड़ी चीज उनके लिए हो जाती है महंगाई, और इन चीजों को लेकर नीतीश कुमार घिरते हैं अपने मंचों पर जब वो पहुंचते हैं तो। बिल्कुल, आप देखिए ना, रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर तो पूरी बहस आ गई है। हालांकि ये भी समझना पड़ेगा कि कोरोना के बाद ये पहला चुनाव है और ये स्वतः इस तरह के मुद्दे आने ही थे और तमाम राज्यों में ये मुद्दे बनते हैं, लेकिन जिस तरह से फोकस पर ये आया, क्योंकि बेरोजगारी और नौकरी की चिंता वाकई युवाओं में है, और ये तो हम लोग कई दशकों से ये चुनाव कवर कर रहे हैं। जिस भी राज्य में आप छोटे शहरों में जाइए, हमेशा हर बार हर चुनाव के अपने शोज में यही सवाल उठता है कि एक एक ऐसे विस्फोट की तरह ये पूरा का पूरा ये समस्या है हिंदुस्तान में रोजगार को लेकर, जिस पर सरकारों को गंभीरता से काम करना होगा, और वही शायद एक ऐसा प्लैंक है जिस पर घिरते हुए ये सरकार नजर आती है, नीतीश नजर आते हैं श्वेता।
पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको खूब फेंको खूब फेंको खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको खूब फेंको खूब फेंको खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो। तो देखा आपने कई जगहों पर विरोध हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज 243 जो कुल सीटें हैं उसमें 165 सीटों पर आज पहले और दूसरे फेज को मिलाकर वोटिंग खत्म हो गई है। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दूसरा पड़ाव पार हुआ, अंतिम पड़ाव का इंतजार है और फिर 10 को तो नतीजे सामने आ ही जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, कुल मिलाकर अब 243 में से 165 सीटों पर बिहार में मतदान खत्म हो चुका है। एक तरफ तमाम दिग्गज तीसरे और आखिरी दौर के लिए जनता के सामने वोट के लिए झोली फैलाए खड़े थे, दूसरी तरफ बिहार की जनता दूसरे दौर के उम्मीदवारों की किस्मत पर अपनी मुहर लगा रही थी। दूसरे दौर में 19 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसके लिए 1661 उम्मीदवार मैदान में है और 41,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। कोरोना संकट के बीच मास्क और सैनिटाइजर से लैस मतदाताओं की हलचल सुबह से ही शुरू हो गई थी। मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पटना के एक बूथ पर एक पोती अपनी दादी को साइकिल पर बिठाकर मतदान करने पहुंची। अच्छा सरकार बने जो सबके ले के चले, साथ मिल के चले, गरीब के भी देखे, शिक्षित करे। सबसे भारी तो बेरोजगारी है। यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। बहुत अच्छा, मतलब एक्साइटेड है कि वोट डालेंगे, पहली बार है मेरा। छपरा का एक मतदान केंद्र ऐसे तैयार किया गया जैसे मतदान नहीं शादी हो। बूथ के बाहर रंगोली की सजावट से मतदाताओं का स्वागत हुआ। तो हाजीपुर में मतदान की यादें संजोने के लिए बूथ के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। मुजफ्फरपुर में वोट डालने पहुंचे लोग सोच में पड़ गए कि वोट डालना है या सफर करना है। दरअसल यहां पोलिंग बूथ को ट्रेन के कोच की शक्ल दी गई थी। आम जनता के साथ कई दिग्गजों ने भी आज वोट डाला। पटना में तेजस्वी यादव अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी वोट डालने पहुंचे, लेकिन कतार को दरकिनार कर उनके सीधे पोलिंग बूथ पहुंच जाने पर लोगों ने विरोध जताया। दो चरण मिलाकर बिहार में 165 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता कर चुकी है। अब तीसरे और आखिरी चरण में बाकी की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। पटना से रोहित सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना का साल है तो लोग त्योहार तो मना नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंजना लग रहा है जैसे कि कोर कसर जो है वो चुनावों में पूरी की जा रही है। और क्यों नहीं, लोकतंत्र का त्योहार हम कहते हैं बिहार में, ऐसे भी लोग हमेशा चुनावों के इर्द गिर्द और चुनावों के दिन पे इस तरह की जागरूकता। हालांकि मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा वहां पर वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितने जागरूक लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने मुद्दों को जानते हैं, नेताओं के बारे में जानते हैं, हम वोट करना चाहते हैं, तो ये परसेंटेज ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। लेकिन इस सब के बीच जो वीआईपीज पहुंचे थे वोट करने के लिए, क्योंकि पटना में वोटिंग थी, अलग अलग सीटों पर वहां पर वोटिंग थी, तो इसीलिए अलग अलग चेहरे भी नजर आए। और सुशील मोदी मुझे लगता है कि अब थोड़ा पछता रहे होंगे कि काश मैं लाइन में लग गया होता, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा सही थी नहीं उनके वोट बूथ पर। बिल्कुल, तो श्वेता मुझे लगा कि हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा, क्योंकि आज तमाम दिग्गज जो पहुंचे थे वोटिंग के लिए वो एक तरफ, लेकिन आपने बात की कि राजनीतिक जागरूकता
राजनीतिक चेतना ये सब कुछ बिहार में बहुत ज्यादा है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं श्वेता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमेशा जो शहरी मतदाता है वही उदासीन रहता है, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो तो मुंबई, दिल्ली में चुनाव हो तो साउथ दिल्ली, बिहार में चुनाव हो तो पटना। 5 बजे तक हम देख रहे थे जब बाकी जगहों पर वोटिंग परसेंटेज 45 के आसपास पहुंचने वाला था, तब भी पटना में 39%। ये बताता है जो शहरी मतदाता और उसकी उदासीनता है, गांव में ज्यादा लोग जोश में रहते हैं और गांव में वोट की कीमत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और ये हम लोग जब घूमते भी हैं तब भी पता चलता है गांव में ज्यादा जागरूकता होती है अपनी वोटिंग को लेकर। श्वेता जी, इस बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, रोजगार, तो तेजस्वी यादव को बड़ा घेरा गया। पहले तो उन्होंने 10 लाख रोजगार कहा था, बीजेपी ने कहा हम तो 19 लाख अवसर पैदा कर रहे हैं, हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, 19 लाख अवसर की बात कर रहे हैं। तो 10 लाख कैसे देंगे रोजगार, तेजस्वी से बार बार पूछा जाता था। आज उन्होंने फॉर्मूला पेश किया है कि कैसे वो 10 लाख नौकरियां देंगे, सुनते हैं उनको। जब हम कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां हम देंगे तो उनको शक होता है कि पैसा कहां से लाएगा। तो हमने पहले भी बताया था पैसा, बिहार का कुल बजट 2,11,13,000 करोड़ रुपए का है, जो कि 40% खर्च नहीं कर पाते, जो कि 80,000 करोड़ होता है। एक 80,000 करोड़ अलग है जो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। दूसरा राइट फॉर एजुकेशन, जो सेंट्रल से जो फंड मिलता है लगभग 24 से 25 हजार करोड़, वो ये पैसा जो है लौटा देते हैं। अगर फिर भी नीतीश जी को, सुशील मोदी जी को लगता है तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायकों का सैलरी भी अगर लेना पड़े तो हम लोग जो है उस सैलरी को हम लोग लेकर के नौकरी करने वाले जितने हमारे लोग हैं उनको देने का काम करेंगे, और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों को सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये आपने देखा जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने तरीके से समझा रहे हैं कैसे, क्योंकि इसी यही सवाल सबसे ज्यादा उनसे पूछा जा रहा है। बीजेपी लगातार कर रही थी और हम लोगों के इंटरव्यू में बीजेपी नड्डा साहब ने बताया था श्वेता, वो कह रहे हैं कि आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, जो भी मंत्रालय है वो पहले तय करता है कैसे कहां पर कौन से पोस्ट होंगे, कितनी उनकी सैलरी होगी, फिर ये सब कुछ कंसोलिडेट होकर फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल अब आपको जरा वो दिखाते हैं, वापस उस मुद्दे पर जाते हुए, वोट की कीमत। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो शहरी बाबू, ये ऐसे मतदाता कह रहे हैं जो गांव से हैं, तमाम मुश्किलों को झेलते, वो शहरों में भी ऐसे कई वोटर्स हैं जो तमाम मुश्किलों को झेल कर भी बूथ में जाते हैं, लोकतंत्र में अपने वोट की कीमत वो पहचानते हैं, और ये तस्वीरें बहुत सुख देती है श्वेता जी। बहुत उम्र 100 साल से पार हो जाती है लेकिन अगर पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते हैं उनके कदम, चाहे घर वाले लेकर आए या फिर बाकी लोग लेकर आए, लेकिन सुकून तो बहुत मिलता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स और ऐसे 100 साल पार नहीं, बीच वाले वोटर्स की उदासीनता, बीच का जो एज ग्रुप होता है उसकी उदासीनता खत्म हो, तब जाकर क्यों नहीं हम 90% तक वोट सोच सकते हैं इस देश में। कुछ मजबूरियां हम समझते हैं, कुछ चीजें हम समझते हैं, लेकिन यहां पर ये जो तस्वीरें हैं ये सबको प्रेरित करनी चाहिए वोट डालने के लिए। अंजना बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और वही जो आपके नाखून पर स्याही लगती है वोट डालने के बाद, इससे बड़ा क्या हो सकता है आपकी पहचान एक लोकतंत्र में। बहरहाल अब आइए आपको जरा सुनाते हैं दो ऐसे चेहरे जो जबरदस्त तरीके से इस चुनावी घमासान में है। एक वक्त पर एक ही पार्टी में एक ही तरफ थे, दोस्त थे, लेकिन अब आमने सामने है और राजनीति बीच में बिजली की तरह चमक रही है। रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा, सुनिए दोनों को। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है, अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से 15 साल से काम हुआ, देखा है लोगों ने, आप तो पटना के हैं, इस पटना में कितने डॉक्टरों का अपहरण हुआ था याद है ना आपको, तो लोगों ने वो दिन याद किया है और बिहार को और आगे ले जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ी उनका एक संकल्प है
बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी तरह से कंपार्टमेंटलाइज करके बता दिया है कि 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, नर्सेज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है बिहार में। बिहार में जो वायदा किए वो वायदे नहीं पूरे हुए, ना पूरा करने की कोशिश की, गपोड़ शंखी रहा, बड़ी बड़ी बातें चाहे केंद्र से की गईं